So we have been looking at the new covenant तो हम नई वाचा के बारे में देख रहे थे <clears throat> these past months. पिछले कुछ महीनों से जस्ट टू रिव्यू और जो कुछ भी हमने किया है उस पर पुनर्विचार करते हैं

Even if you haven't experienced whether हम सभी ये देख सकते हैं कि क्या हमने समझा है भले ही हमने इसका अनुभव नहीं किया हो We understand and long for this new covenant. Number क्या हम उसे समझते हैं नहीं वाचा के लिए चाहत रखते हैं Number one is the seriousness of sin. पहला है पाप की गंभीरता And that's something that should increase in us as we walk with the Lord. और एक ऐसी बात है जो कि हमारे जीवन में बढ़ते चला जाना चाहिए हमारे प्रभु के साथ चलने में and Secondly, to be absolutely sure

Out your past sins. यदि आप उन्हें याद रखते हैं तो आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने आपके पापों को मिटा दिया है क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमें क्षमा कर Father। पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रकट करके देता है हम 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 कैसे जान पाएंगे कि कि जानते हैं नहीं? We चिंताओं से मुक्त होंगे. यदि पूरे विश्व पर राज करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है तो आप चिंता नहीं कर सकते नंबर फोर चौथा

but i believe with all my heart that god will fill me with the holy spirit and this is the mark of being filled with the holy spirit you have a tremendous desire to do god's will and you have the power to do it and then number five <laughs> नई वाचा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम करने की ओर अगुवाई करता है यशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे Not an emotional इमोशनल ये एक भावना की बात नहीं है And number सिक्स छठा.

And the next one is the Holy Spirit keeps us in the presence of Christ. Uh, I've set the Lord always before me. And that's how we keep from sin. And number nine, we know that Satan's been defeated. And the Holy Spirit gives us light on. Satan's tactics were पवित्र आत्मा हमें शैतान की युक्तियों पर रोशनी देता है कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ द डेवल बिकॉज वी नो हीज बीन डिफीटेड ऑन द क्रॉस और शैतान के डर से हमें पूरी स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि हम ये जानते हैं कि शैतान जो है उस क्रूस पर हरा दिया गया है नंबर 10 दसवा We learn to worship God, not praise God. हम परमेश्वर की आराधना करना सीखते हैं, स्तुति करना नहीं. Praise

There is no command in the Old Testament of husbands to love their wives or wives to submit to their husbands. Because those things were not possible without the power of the Holy Spirit. There was no command to.

Two great prophets that the Lord often, when He spoke to Jeremiah, He said, Even if Moses and Samuel plead for these people, I will not listen. So we recognize that God counted Moses and Samuel as two of the greatest prophets in the Old Testament.

Son, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था God जब तक तक परमेश्वर उस पर पर उसको मारने पर नहीं तक नहीं। उतरे तब आप इसे पढ़ते हैं निर्गमन उसके चौथे अध्याय में पे एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति परमेश्वर के

The next judges after him. और उसने उन दोनों को अपने बाद न्यायी होने के लिए नियुक्त किया Can you imagine doing such an evil thing? ऐसे एक बुरा काम, करने के बारे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? And those sons went around taking bribes still.

फिर भी वो पुराने पुराने नियम नियम में 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 का सारे नबियों से सबसे बड़ा बड़ा एक है के बारे हम हम नहीं जानते हैं कि उसने अपने बेटों को कैसा बड़ा किया so we see two of the in the Old तो हम यहां पे नियम में दो बड़े ऐसे नबियों के बारे में देखते हैं Their

Paul is telling Timothy to select elders. जब यहाँ पे पॉलूस तिमोथी तिमोथी को कहते हैं कि अध्यक्षों को चुनो. He says it must be one. One Timothy three four. यहाँ पे कहा गया पहला तिमोथी उस तीसरा अध्याय उसके पांचवे वचन में. Who manages his own family well. वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने घर घर का अच्छा प्रबंध करता हो. Keeps his children

एक ऐसी आज्ञा है जो कि पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है ऑलमोस्ट नाइन ऑफ दीचर्स एंड मेट इन माइ लाइफ लगभग नब्बे प्रतिशत प्रचारकों और पासवानों के द्वारा जिनसे मैं अपने जीवन में मिला हूं wayward, उनके बच्चे भटके हुए होते हैं फिर भी वो नेता ही बने रहते हैं It's almost as though 1 Timothy 3 is not written in their Bible. They should resign. Do they do it? No. They couldn't care less for the Word of God. That is the condition of Christendom. It's there, they read it. I don't know what they do with it. यहाँ पे है वो पढ़ते हैं पर मैं नहीं जानता कि वो क्या करते हैं इससे And in Titus one, it says, और तीतुस उसके पहले अध्याय में कहा गया है the appointing, for appointing elders, he says, make sure, जहाँ पे अध्यक्षों को नियुक्त करने की बात कही गई गया, वहाँ पे कहते हैं वो टाइटस वन वर्स तीतुस पहला अध्याय है उसका छठा वचन बिलीवर्स की उनके जो बच्चे हैं वो विश्वासी हो

what it says there. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि वहाँ पे क्या कहा गया है. Immediately after, be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ उसके तुरंत बाद क्या कहा गया है? I see two results. मैं यहाँ पे दो परिणामों को देखता हूँ. Ephesians five verse eighteen. Don't get drunk. Ephesians five उसका अठारह पिएकड़ ना बनो.

you when you come to a church meeting जब आप एक कलिशा की सभा में आते हैं if you come drunk यदि आप शराब पीकर आए एवरीबॉडी विल सी लुक एट दिस गाय डिसोबीडिएंट टू गॉड'स वर्ड सभी लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये परमेश्वर का ये जो जन है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है देखो प्रोबब्ली कीप हिम आउटसाइड शायद हमें उस हम उन्हें बाहर ही रखें

तो यहाँ पे कहा गया है रिजल्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ थैंक्स गिविंग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जो परिणाम है वो धन्यवाद देने की आत्मा है Speaking to one another in Psalms and all, always giving thanks. Ephesians 5. 5. Ephesians 5.18 is be filled with the Spirit. Ephesians 5.20 is always giving thanks. I know in my life, I had a lot of discouragement, condemnation. दंड की आज्ञाएं थी ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग कुड़कुड़ाना, शिकायत करना फायरिंग एंगर झगड़ा करना गुस्सा करना सो मेनी थिंग्स बहुत सारी बातें बट इट वाज ओनली व्हेन आई वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट दैट दोस थिंग्स disappeared। और ये तभी हुआ जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तभी ये सारी बातें मेरे जीवन से गायब होने लगी टू द पावर द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा

पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दूसरा चिन्ह है Family life. पारिवारिक जीवन It says, Always giving thanks. पे कहा गया है हमेशा धन्यवाद देना बी सब्जेक्टर and... और वचन एक, एक दूसरे के अधीन रहना देन वाइफ बी सब्जेक्ट और फिर पत्नियों अपने पति के अधीन रहो Spirit filled वाइफ एक आत्मा से परिपूर्ण जो पत्नी रहेगी, वो day, वो हमेशा घंटे दिन दिन के के और हफ्ते के दिन, वो अपने पति के आधीन रहेगी yeah. ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक चिन्ह है And, uh, कम से कम वो कोशिश करेगी अपने पूरे हृदय से उसकी खोज करेगी और जब वो ऐसा नहीं करती है तो वो मन फिराव करेगी And then a husband, और एक आत्मा से परिपूर्ण एक पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम रखेट लव चर्च जैसे कि मसी कलिशिया कलिश, से प्रेम करता है and i don't think any husband reaches there but there will be a tremendous longing to be filled to love his wife just like christ loved the church to die to myself my relationship to my wife

Could be all आपका, आपके जो बच्चे हैं वो भटके हुए हो सकते थे, जो जो थे. So. परंतु नए नियम में ऐसा नहीं है आप एक नबी के बारे में तो भूलि जाए आप एक अलिशिया में एक अगुवा नहीं हो सकते एक प्रचारक नहीं हो सकते हैं

So there's a great need of repentance. <clears throat> and you can see today, when I see the number of mails I get from, from believers, almost every day, or broken homes, husbands who are unfaithful to their wives,

चौथा वचन वो सुखविलास के प्रेमी होंगे that... और वे परमेश्वर के प्रेमी नहीं होंगे और एक और बात जो यहाँ पे उल्लेखित है वो ये है

दूसरा ये उस, उसका पहला वचन कठिन समय आएंगे। these things, men will be of self and... क्योंकि ये सारी बातें मनुष्य जो है वो स्वयं से प्रेम रखने वाले होंगे। और जो बच्चे जो होंगे वो माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे when... और ये बातें आप सारी दुनिया में देख सकते हैं कि एक ऐसा समय है The spirit of rebellion is there in school. Children pick up bad habits in school. What we need today in our churches is spirit filled parents. It's not a course on bringing up children. But being filled with the Holy Spirit and respecting the Word of God, and seeking to be towards our children like God is towards us. God assures us of His love, and we must assure our children.

परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है इफ गॉड डिस यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है तो ये दिखाता है कि आप उनके पुत्र हैं That's one of the proof. I mean, if you can do something wrong. तो ये एक प्रमाण है. मान लीजिए कि आप यदि कुछ काम कल, गलत कर लेते हैं. And God doesn't discipline you. और फिर परमेश्वर आपको उसके लिए ताड़ना नहीं देते हैं. I would question whether you're really born again. तो मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि क्या आपने सच में नया जन्म पाया है मैं so मैं ऐसे समय को जानता जब मैं छोटी सी एक बात पर फिसल गया था, गिर गया था, था। गिर और फिर परमेश्वर ने मुझे किसी तरीके से ताड़ना दी थी। some fever, something or the other. एक, एक या कुछ और बात से और मैं पूछता था क्यों और परमेश्वर मुझे एक छोटी सी चीज की तरफ इशारा करते Which most even think is जो कि अधिकतर तो लोग उसको गंभीर भी नहीं समझते वैसे एक बात shows God's Care over us. तो वो परमेश्वर के परमेश्वर का हमारे प्रति जो उत्सुकता से रखने वाला जो ख्याल और ध्यान है उसे दिखाता है And it says here in that verse, there God disciplines you

मेरा मेरा आज आज उसके लिए मेरा उत्तर है ऐसे बहुत लाख, लाखों ऐसे पुत्र Who their fathers don't discipline. जिनको उनके पिता ताड़ना नहीं देते हैं अनुशासित नहीं करते हैं है, उन्हें आज्ञा मानना ही पड़ता है तो घर में रहते हैं The जैसे ही वो घर छोड़ के जाते हैं आप देखें भटके हुए होते हैं

यदि आप घर में ऐसे ही गुस्सा करते रहें और चिल्लाते रहें और झगड़ा करते रहें। God doesn't discipline you, brother, sister, you better check out whether you're born again. यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना फिर भी नहीं करते हैं तो भाइयों बहनों आप अपना जांच कर ले कि क्या आप सच में एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं कि नहीं I really would say that. मैं सच में ऐसा कहूंगा

strangers children हम जाकर अजनबियों को अजनबियों के जो बच्चे हैं उन्हें ताड़ना नहीं देते हैं। We punish only our own children। हम सिर्फ अपने जो खुद के बच्चे होते हैं उन्हें ही ताड़ना देते हैं। And if you are a child of God, it says here, God will definitely discipline you। और यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप एक परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर जरूर ही आपको अनुशासित करेंगे। It's a mark of His love and care for you. ये जो है परमेश्वर का आपके प्रति जो प्रेम और ध्यान है उसका चिन्ह है सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंगिंग ऑफ फैमिली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ तो एक परिवार को आगे बढ़ाना जो है पारिवारिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है And that's why we need to safeguard the husband-wife relationship. Because it says the relationship between husband and wife is a picture of the relationship between Christ and the church and i want all of you my dear brothers and sisters to bear this in mind that you are seeking to reflect in your relationship you brothers आप आप towards your wife is I want to show how Christ deals with the church. आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मसी कलिशिया के साथ कैसा व्यवहार करता है. Christ is merciful. मसी जो है बहुत ही दयालु है. But he's got certain standards. पर उसके कुछ स्तर हैं. And we should not love our wives more than we love Jesus Christ. हम जो है म, प्रभु यीशु मसीह से जितना हम प्रेम करते हैं उससे बढ़कर हमें अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं करना है That can also ये भी हो सकता है। Where your wife does wrong, जहां पे आपकी पत्नी कुछ गलत और घर में शांति बरकरार रखने के लिए A false peace, एक झूठी शांति। do आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं you allow it to go on even though you know that is completely contrary to the word of god के के then you love your wife more than christ and you can be pretty sure से, से कर the lord will not support that क्योंकि प्रभु कहते हैं कि यदि तुम अपने माता, पिता, भाई, बहन, बच्चे, पत्नी, इन, इन सभी से मसी से मसीह बढ़कर इनसे अगर प्रेम रखते हो तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते हो लू अध्याय so, उसका लू का तो मसीह एक पारिवारिक जीवन का संतुलन यही है

And when a husband, a man does not cover his head. He's saying, my head is Christ. must Not be covered. उसे नहीं रखना है। the Glory of Christ must never be covered. I think a a lot of men don't don't know why they don't wear a cap in the church। मुझे लगता है कि बहुत सारे पुरुषों को ये पता नहीं है कि वो कलिशिया में टोपी क्यों नहीं पहनते हैं पहला ग्यारहवा अध्याय कभी पढ़ के देखी The head of every man is Christ. And the head of Christ is God, and the head of the woman is the man. So that is the order that we have to demonstrate in a spirit filled family or a spirit filled church. There are many husbands I have met, Christian believer husbands, who are so weak. They are not leaders in their home. They allow the wife to do whatever they like and run the home and whatever they like and all types of things which go on which are not.

He was really the head of his house. वो सच में ही अपने घर के मुखिया हैं. To tell his wife, you cannot go to church dressed like that. जो अपनी पत्नी से ये कहता हो कि तुम ऐसे कपड़ा पहनकर कलिशिया में नहीं जा सकती. That modest way. इस असभ्य तरीके से. And I'm sure God honored him. और मैं इस बात का निश्चय करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें आदर दिया. God honors those who honor. परमेश्वर उन्हें आदर देते हैं जो परमेश्वर को आदर देते हैं.

To church in that dress. जो की अपने पत्नी के साथ संघर्ष संघर्ष में पढ़ने का भी खतरा उठाता हो और ये स्थिर रहकर ये कलिशिया में ये आश्चर्य करता हूँ की कितने कि सी एफ सी के या तो एनसी पति होंगे जिनके अंदर ये हिम्मत होगा to stand up for the truth of God. परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े रहने की. Yeah, we can say we are very bold, but when it comes to your wife, you could be an absolute coward. हो सकता है हम ये कहते हो कि हाँ हम बहुत ही साहसी हैं पर जब आपकी पत्नी की बात आती है तब हो सकता है कि आप डरपोक हो Scared, offend. उन्हें नाराज करने से डरते हो He didn't do that to humiliate her. उन्होंने ऐसा उनकी पत्नी का अपमान करने के लिए नहीं किया उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा था इसलिए सो फैमिली लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन और पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को बड़ा करना भी एंड एज आई सेड द

और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमें बहुत ही गंभीर रूप से इसे लेना चाहिए शायद हम में से बहुत लोगों ने इसे गंभीर रूप से लिया है और आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने अक्सर कहा है उसे याद रखें कलिशा जो है तीन माले के इमारत के समान है The foundation is the absolute assurance

I build the first floor, और उसके बाद मैं पहला जो मंजिल है वो बांधता हूँ in जिसको हम निचला मंजिल कहते हैं भारत में प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एकदम शुद्ध मनसा के साथ विवेक के साथ चलते रहना need the power of the Holy for that. उसके लिए पवित्र आत्मा की सामत की जरूरत है

तो एक परमेश्वर का भय रखने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जो मसीही रहेगा वो तुरंत ही अंकिकार करेगा और बातों से शुद्ध हो जाएगा। from that person, और वो बहुत के लिए इंतजार नहीं करेगा जैसे ही वो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो तुरंत से वो क्षमा मांग लेगा the अगला जो मंजिल है जो की बीच का मंजिल है वो हमारा पारिवारिक जीवन है Don't even try to preach in the church. I mean, don't even come here to preach for three minutes. कभी भी कलिशा में आकर प्रचार करने का प्रचार करने की कोशिश भी मत करना. यहाँ पे आके तीन मिनट बाटली की भी प्रयास ना करना. Like some of you do. जैसे कि आप में से कुछ लोग करते हैं. You're not building the second floor. यदि आप दूसरे मंजिल को नहीं बांध रहे हो तो. Which is the middle floor. जो कि बीच का मंजिल है. Then you come to the church and ministry in the church. उसके बाद ही आप कलिशा के सेवकाई की तरफ आते हैं. So the middle floor is our family life. If you're a husband, to be a godly husband. If You're a father. to be a strict father. Who loves and disciplines his children. And to be a godly wife.

परंतु तो भारत में लोग चलकर जाते हैं और गो by बस या तो फिर बस से होकर जाते हैं और साइकिल से जाते हैं और स्कूटर या स्कूटर से जाते हैं और कार many, many in India और या तो फिर कार से जाते हैं वहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे जीवन के स्तर हैं And so I, in our own churches. हमारे खुद के कलीसियाओं में है

यदि हम ये सारी चीजें करेंगे way. तो फिर हम अपने बच्चों को भी अच्छे से पालन पोषण करेंगे church, तो फिर हम नई वाचा की कलिशिया को भी बांध सकते हैं जो कि सबसे ऊपर का मंजिल है आमीन